भक्त रहीम जी। भूमिका। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण रहा है। इनका नाम साहित्य जगत में इतना प्रसिद्ध है कि इन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। परिचय। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उस समय बैरम खान की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी जब रहीम का जन्म हुआ। बैरम खान की दूसरी पत्नी का नाम सईदा खान था। यह बाबर की बेटी गुलरुख बेगम की पुत्री थी। खान खाना की उपाधि अकबर ने इनके पिता बैरम खान को दी थी। वे अकबर के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। वीरता, राज्य संचालन, दानशीलता, दूरदर्शिता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण इन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान बालक थे। उनकी दूसरी माँ सईदा बेगम भी अच्छी कवित्री थी। सन 1562 में बैरम खान की मौत के बाद पूरा परिवार अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अकबर ने रहीम की बुद्धिमता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध कर दिया। वह रहीम से इतना प्रभावित हुआ कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खान कहकर संबोधित करने लगा। अकबर उन्हें जो भी जटिल से जटिल कार्य सौंपते वह उन्हें शीघ्रता से कर देते। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी व फारसी भाषा का ज्ञान दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता करना, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान कराया। बदाउनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक थे। रहीम का पहला निकाह महाबानो से हुआ। महाबानो ने 2 बेटियां और 3 बेटों को जन्म दिया। पहले बेटे का नाम इरीज, दूसरे का दाराब और तीसरे का नाम फरन था। यह नाम अकबर ने रखे। रहीम की बड़ी बेटी का नाम जाना बेगम, जिसका निकाह शहजादा दनिभाव से हुआ। वे छोटी बेटी का निकाह मीर अमीनुद्दीन से हुआ। रहीम का दूसरा निकाह सौदा जाति की एक लड़की से हुआ, जिससे एक बेटे रहमान दाद का जन्म हुआ। रहीम का तीसरा निकाह एक दासी से हुआ, उससे भी एक बेटे मिर्जा अमरुल्ला का जन्म हुआ। साहित्य दिन। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की उसकी मिसाल विरले ही मिल सकेगी। रहीम जी की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। इन दोहों में नीति परक का विशेष स्थान है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सत्सई, बरवय, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, फुटकर बरवय, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवितव, सवैये, संस्कृत काव्य सभी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। वासिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। यह मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। इन्होंने खुद को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम जी ने अपने अनुभवों को अति सरल व सहजता से जिस शैली में अभिव्यक्त किया है वह वास्तव में अद्भुत है। उनकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, पर मुख्य रूप से ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। भाषा को सरल, सरस व मधुर बनाने के लिए इन्होंने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है।